हाँ दोस्तों, समर डाल रहा है। आज अपने पेट्स को रोटी रोटी। हमारे कबूतर भी बहुत शौक से खाते हैं, टर्की बर्ड भी, और सिम्बे का तो ना ही पूछो। सिम्बा तो छलांगे मार के खाता है। ये मैंने बनानाज उठा लिए हैं, ये देखो सिम्बा मेरे पीछे लग जाएगा। सिम्बा नहीं, मैं तो ये नहीं खिलाने वाला आज। गब्बर खाएगा ये, गब्बर गब्बर ये लो। नहीं सिम्बा नहीं, तुम पीछे हो जाओ। ये देखो सिम्बा के काम देखो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? तो यार आज इतना प्यारा मौसम है ना, काले काले बादल तो नहीं है लेकिन वाइट वाइट बादल हैं, मतलब धूप नहीं है, मजा आ रहा है। और दूसरा बैड न्यूज भी हमें सुबह सवेरे मिल गई है, हमारा जो किंग मोर है ना, उसके एक एक करके सारे पर गिरते जा रहे हैं। एंग्री बर्ड मेरे से ज्यादा आज खुश हैं बड़े, ये देखो चुप ही नहीं कर रहे। अभी मैं ऐसा करता हूँ, अपने ना सब मोरों को बाहर निकालता हूँ। ये देखो नीचे क्या हुआ पड़ा यार, सारे के सारे पर बाहर निकल। मुझे लग रहा है इसके और पर आने वाले हैं, इसीलिए अपने पर झाड़ रहे हैं। इसके इतनी जल्दी नहीं आएंगे पर, ये सारे अपने मुंह से ना खुद ही निकाली जा रहा है यहाँ से। कितने ज्यादा है यार ये, बिल्कुल एक दिन देखना गंजा हो जाएगा। इतने सारे वही देखो ना, इनको इकट्ठा करो, ये तकरीबन 15 पर होंगे। देखना वाले पर दोस्तों, हमने सारे इकट्ठे कर लिए हैं, तकरीबन 10 पर हैं जो आज के दिन हमारे किंग मोर ने ना बाहर निकाले हैं। अभी दोस्तों चेक करते हैं हमारे पैरट का दूसरा अंडा आया कि नहीं आया। कल एक तो आया हुआ था। नहीं नहीं नहीं, अभी एक ही है भाई, पता नहीं शायद कल दे दें, एक दिन छोड़ के शायद देते हैं ये अंडा। तो हमारी स्नो पता नहीं कहाँ गायब रहती है, इतनी ज्यादा हमारे पास आती नहीं है। और समझ पता नहीं कहाँ से पकड़ा है इसको। स्नो मैं नीचे से ले आऊं, स्नो से तो हमारी ब्लैक रानी अच्छी है। चलो भाई जाओ अपने बच्चों के पास रहा करो ज्यादातर। स्नो अपने बच्चों के साथ इतना प्यार करती है, देखो इनको चाटती रहती है, चाटती रहती है, चाट चाट के सफेद कर दिया इसने बिल्कुल उनको। वैसे भी दोस्तों सफेद है, मैं मजाक कर रहा हूँ। इनको देखो, और तुम इधर आओ अपनी माँ के पास आओ जल्दी। आप जल्दी से इन सब को पानी पिलाओ, फिर बताऊँ कहाँ जाना है हमने आज। कहाँ जाना है? फिर मंडी जाना है, पेट मार्केट। तो भाई हम निकल रहे हैं पेट मार्केट के लिए। इस दफा तो हमें खुद भी नहीं पता हम क्या लेने जा रहे हैं, बस जो मिला ले आएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत कम पेट्स हो गए हैं। ये तो बकरा ईद आ रहा है, मार्केट भी खाली पड़ा है। हाँ, एक तो मार्केट हम जाते हैं कुछ मिलता ही नहीं है, क्या पता मिल जाए। चलो चलो कोशिश करते हैं। मार्केट में दोस्तों सॉरी की सॉरी दुकानें ऑफ है। ये देखो ये भी जा रहे हैं भाई दुकान ऑफ करके, पता नहीं क्या हो गया पेट मार्केट को। ये देखो ये दुकान भी ऑफ है, सॉरी की सॉरी पेट मार्केट खाली हुई पड़ी है। तो एक काम करते हैं, अपने पिजन्स के लिए ना ब्रीडिंग बॉक्स ले लेते हैं। हम आए तो वैसे भी हुए हैं, पेट अभी कोई भी नहीं मिल रहा, सबसे पूछा है वो बोल रहे हैं आप ईद के बाद आ जाइएगा, आपको हर चीज़ मिल जाएगी, आप क्या करें। बस आप वो पिजन के लिए बॉक्स ले जाते हैं। हाँ। और उनको आज वहाँ शिफ्ट कर देते हैं सुपर केज में। हाँ, सुपर केज। बस समझ सही बोल रहा है, ये भी सही है। वो पिजन के लिए ब्रीडिंग बॉक्स पड़े हैं? नहीं नहीं है। आओ पे वो भी नहीं है, कोई चीज नहीं आज भाई, कोई मार्केट हो गया क्या? एक दो दिन ये सारी दुकानें बंद हो जाएगी, ईद आ रही है दोस्तों, हो सकता है। एक और दुकान पता है वो, वहाँ चले। चलो चलते हैं, वहाँ से दोस्तों पक्का मिल जाएंगे ब्रीडिंग बॉक्स। दोस्तों हमने अपने कबूतरों के लिए ब्रीडिंग बॉक्स लगाने थे, लेकिन मेरे कजन बोल रहे हैं बकरों को राइड पे ले चल। नहीं 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 नहीं, बकरे इतने सारे यहाँ पड़े, इनको कल कल ले चलेंगे, कल कल। हाँ कहाँ पे? घुमाने फिराने सारे बकरों को ले चलेंगे। देखो और न्यू न्यू के कौन से हैं, न्यू कौन से हैं? एक ये एक ये, एक दो तीन चार, चार न्यू आ गए। आप तो कल इनको और हॉर्स को ना राइड पे ले चलेंगे, हॉर्स को भी साथ। अभी दोस्तों न्यू आया, इसका नाम है टाइगर, तुमने खुद से नाम रख दिया, ठीक है भाई। अच्छा अभी दोस्तों और बकरे भी आना बाकी है, कजन वगैरह भी ले रहे हैं ना, हमारे तो बस वहीं खड़े हैं। चलो यार चलें, कल फिर याद रखना ठीक है, राइड पे हॉर्स को भी ले चलेंगे और कौन सी चीज है बकरों को। चलो भाई अभी तुम रेस्ट करो, रेस्ट करो, सोए रहो सोए रहो, कल मिलते हैं फिर। अभी दोस्तों मिनी दूर चलते हैं जल्दी से और ब्रीडिंग बॉक्स पिजन्स के लिए लगाते हैं। तो भाई हमें ब्रीडिंग बॉक्स तो मिल नहीं रहे, इसी वजह से हम जुगाड़ काम चला रहे हैं। हमारे कबूतरों ने ना अंडे देने हैं, ठीक है, तो कौन सी चीज है जिसके अंदर अंडे देंगे बैठ जाएंगे फिर? अंडे यार, इसके अंदर भी अंडे देंगे, सही है भाई, ये तो ब्रीडिंग बॉक्स से भी अच्छी चीज है ना। ये चीज नीचे पड़ा रहेगा, सही है, साइडों में पड़े रहेंगे। हाँ। इसके अंदर है ना हम पलाली भर देंगे, तो इसके अंदर वो आराम से अंडे देके बच्चे निकाल लेंगे। हमने ना पांच इस तरह के ना ये ले लिए हैं, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, दोरी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं,
और आप इसके अंदर दोरी कहते हैं ना, आप जो इसके अंदर वो जो हम रखेंगे ना भूसा वगैरह वो लेके सीधा मिनी जू चलते हैं। दोस्तों हम पहुंच गए मिनी जू और जल्दी से अपना काम स्टार्ट करते हैं सुपर केज के अंदर से ना। पहले तो हमें जो पैरट्स है ना टैंगो मैंगो कॉकटेल इनको रिमूव करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर सेटिंग करनी पड़ेगी पिजन्स के लिए। कबूतर को दोस्तों पता लग गया ये ना मेरे लिए ले आए हैं, देखो इधर आ रहा है देखने। हाँ हाँ, तूने इसके अंदर ब्रीड करना है। हमारी बकरियों का सारा चारा ना किसी चीज ने गिरा दिया, ये देखो डब्बा, पता नहीं ये किसने गिराया इतना सारा चारा, सारा जाया हुआ पड़ा है पता नहीं। ये मैं उठा लेता हूँ, पहले आ जाओ मेरे साथ, वो ट्री उठा, वो वहाँ रखना है उधर। इस केज में दोस्तों हम रखेंगे अपने टैंगो मैंगो को, बस आप अकेले रहा करेंगे, बहुत इन्होंने सुपर केज में एंश कर लिया। एक तोता ही नहीं पकड़ा जाता आपसे। आ जाओ भाई, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, ये हड हराम हो गया, मैं आपको बोल रहा था ना। चलो ये तो आ गया, बस दोबारा चला गया भाई, एक पैरट नहीं पकड़ा जा रहा। यार इनका हैंड टेम खत्म होता जा रहा, क्या है ये काट रहे हैं ना, बड़े तेज काट रहे यार। मुझे लगता है हमारे तोतों का हैंड टेम खत्म हो गया। हमने टैंगो मैंगो को इस केज में डाल दिया, अब इनकी जगह सिलेक्ट करनी है, दूसरी जगह कौन सी होगी इनके लिए। वहां ना रखे किधर, मोर वाले घर में, बिग हाउस। हाँ बिग हाउस भी सही है इनके लिए। मुझे तो लगता है ये वाला जो ट्री है ना इसके पत्ते हमारे मोर ही खाएंगे, क्योंकि मोर को ना बहुत पसंद होते हैं ये वाले पत्ते। ऊपर केज में से टैंगो मैंगो को भी बाहर निकाल दिया है, मिनी फौज का एक सिपाही और एक तरकी बर्ड का बच्चा बाकी बचा है, और पता नहीं कहाँ चले गए हमारे। अजीत सारी चीजें निकली, एक डव रह गया, उनको निकालूं क्या करूं। सारी चीजें निकल गई हैं, सिर्फ डव रह गई हैं। डव को कबूतरों के साथ ही रहने दो, मैं तो बोल रहा हूँ। अच्छा। दोस्तों जो हम मार्केट से कुनालियां और इससे जो भूसा वगैरह ले आए ना, इसको भूसा कहते हैं यार, एकदम मैं भूल जाता हूँ, इसको पलाली बोलते हैं। पलाली हाँ। अब इनको ना सेटिंग से ना इसके अंदर लगा रहे हैं, इसके अंदर पांच छह के अंदर लगा देंगे और उसके बाद इनको सुपर केज के अंदर रखेंगे। ओए होए, पकड़ो 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 पकड़ो, इनको ना चारों कोनों में रखना है। मोर बाहर निकले हैं, मोरों के घर पे ना टर्की बर्ड और ओरियो ने कब्जा कर लिया। ओरियो को तो मोरों का घर इतना पसंद है, ये कहता पूरी दिन मैं यहीं बैठा रहा हूं। तो लगता है दोस्तों हमारी ये वाली डव भी अंडा देने के लिए बैठी है, जब से मैं आया हूँ ना ये यहीं बैठी है। अंडा है तो नहीं इसके नीचे, नहीं नहीं। अब दोस्तों यहाँ पांच कुनालियां पड़ी हैं, जहां मर्जी अंडे दे दें, जहां दिन का दिल करेगा। सेटिंग तो दोस्तों मुकम्मल हो गई है सुपर केज में, अब सिर्फ कबूतरों को लेके आना बाकी है। और कुछ करो, कब से यहीं पड़े हैं ये मैं ले जाता हूं, बिग हाउस में रख देता हूं। हाँ बिग हाउस में रख दो, ये बेचारे डिस्टर्ब हो रहे हैं टैंगो मैंगो। चलो भाई टैंगो मैंगो का घर अब यही है बड़ा बिग हाउस में, अब जल्दी से ना इसके अंदर ना एक स्टिक लगानी है और एक बॉक्स लगाना ताकि इसके अंदर अंडे देंगे। दोस्तों हमें एक एक करके सारे कबूतर पकड़ने पड़ेंगे, के हाथ नहीं आ रहे बहुत सारे, बहुत हाँ बहुत तेज है हमारे कबूतर। चलो 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 अंदर। अभी दोस्तों ये भी बहुत कम है, अब हम बहुत सारे कबूतर लेके आने वाले हैं, सिर्फ एक दफा इनकी सुपर केज में ना सेटिंग बन जाए। ओ सारी मेहनत जाया, सारी मेहनत समझ, वहां से खींच के ले आए तो वापस उड़ के चले गए। बात बताऊं, इनको पता नहीं हम अब से यहाँ रहेंगे। हाँ इनको पता नहीं है ये हमारा न्यू घर रेडी हो गया। ले आओ जल्दी से, ले आओ जल्दी से, खोलो इसको। आपने कितने पकड़े? मैंने दो, मुझे तो एक नजर आ रहा है। ओहो सॉरी, एक पकड़ा है, बाकी सारे के सारे दोस्तों कबूतर संबंध ने पकड़े हैं। चलो भाई आपको न्यू घर मुबारक हो। कि हमारे दोस्तों दो कबूतर रह गए हैं जो समझ से नहीं पकड़े जा रहे, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक तो पर खुले हो रही है, सबसे पहले हमारे कबूतर है आपको। हाँ सबसे पहले हमारे भाई ये आए थे वाइट लक्कों में से, पकड़ लो। ओ तेरी, मेरे माइंड में तरकीब आई है, इनको पहले ना इनके घर में कैद कर लेंगे, उसके बाद पकड़ेंगे। बस अब यही थी पकड़े जाएंगे, कहाँ तक जाओगे, ले आओ भाई आखिर तो हमारे हाथ आओगे। वाह बड़े मस्त लग रहे हैं दोस्तों इसके अंदर, जब इधर ऊपर बैठेंगे वो डव देख रहे हैं ये कौन आ गए। मुझे दोस्तों पता नहीं है ये आपस में डव या ये लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। कुछ नहीं कहता नहीं, कुछ भी नहीं कहता। उलीद आपको पता है क्या ये कितने खुश नजर आ रहा है यार, कबूतर सारे हमारे खुश है। हाँ। आप देखना अंडे अंडे ब्रीडिंग पे ब्रीडिंग होगी इंशाल्लाह। देखो अभी सारे जा रहे हैं, मैं जरा दिखाऊं, ये देखो ये सारे इसके ऊपर अभी बैठ गए। वो एक कहता है मेरा घोंसला है, कहता है मेरा घोंसला है। और भी ले आएंगे घोंसले। हाँ। ये भी कम लग रहे हैं मुझे, देखो ना एक दो पाँच है अभी तक, पाँच है ना, लेकिन जब और कबूतर लाएंगे उसके बाद फिर लेंगे। बस ठीक है अभी तो बहुत है। दोस्तों जो हमारे ये वाले केजेस है ना ये बिल्कुल बेकार है, मैं तो सोच रहा हूँ इनको अलग अलग कर देते हैं, इनका पार्टीशन करना है ना, एक अलग सबको अलग अलग करना, सबको अलग अलग करना है। और आपने कमेंट्स में लाजमी बताना हम ये काम करें या ना करें। अगर हमने इसको हटाया भी ना इसकी जगह पे हम और केजेस बनाएंगे। दोस्तों सिल्वर चिकन भी थोड़े बाहर निकले, ये अपने केज से बाहर ही नहीं निकलते, आज बाहर आके ना डाइट वगैरह खा रहे हैं। हमारे कबूतर ना अपने न्यू घर में बहुत खुश हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं, कोई ऊपर बैठे हैं कोई इधर बैठे हैं।
अभी दोस्तों हम अपने लैम्बो को बाहर लेके जा रहे हैं। जब से आया ना इसको कभी हम बाहर नहीं लेके गए, ये अंदर ही रहता है क्योंकि डेंजरस है, ये पेट्स पे अटैक भी कर सकता है। लैम्बो चलो 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 ले चलो इसको जल्दी से, इसको जाने का दिल ही नहीं है आज राइड पे। ओ गया ओ भाई भाई, ये तो समझ को खींच के जा रहा है। इधर 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 कहाँ जा रहे हो? इधर से आओ। हाँ इधर ऊपर, वो देखो सारे बच्चे डर के भागे जा रहे हैं। लैम्बो की ना शक्ल डेंजरस है बड़ी, इससे हर कोई डरता है। दोस्तों फिलहाल तो हम इसको बाहर ही घुमा रहे हैं, जैसे लैम्बो बकरियों को देखता है ना उन पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा इसको तेजी से दौड़ लगाओ, तेजी से दिखाओ। लैम्बो के बहुत फैन है दोस्तों, पीछे देखो कितना रश है। भागो भागो भागो। फाइनली दोस्तों हम वापसी घर पहुंच गए हैं। बाहर इतना रश था, किसी अच्छे दिन इसको राइड पे ले जाएंगे। वो इतने इनके फैन है, वो देखो इतने बंदे, इतने वो। ओ भाई आ जाओ यार, वापसी आ जाओ, बहुत ज्यादा रश पड़ गया। टाइम है सिम्बा और गब्बर के डाइट खाने का, तो इसको नीचे नहीं रखनी आज, बिल्कुल नीचे। देखो कितनी जल्दी है इसको। ओ सिम्बा को देखो पीछे, इसको यहाँ टांग के दे दो। हाँ टांगो जल्दी से पकड़ो, ये इधर लटका देते हैं, ये खुद खाते रहेंगे आराम। वो समझ पकड़ के खड़ा हो गया, वो खाई जा रहे हैं। चलो बांधो जल्दी से इसको। कैसे बांध पे, रस्सी तो ले आ। ओ भाई और ये तुम्हारे मतलब का घास नहीं है, तुम पीछे रहा करो। ये समझ ने ना थोड़ी सी घास तोड़ दिया, किसके लिए है ये लेके जा रहे हो? देखो रैबिट्स आ रहे हैं ना इधर, उन्हीं को दे दो, उन्हीं को दे दो। चलो भाई सिम्बा और गब्बर तुम दोनों यहाँ से खाते रहो। और दोस्तों इतनी अच्छी अच्छी हवा चलने लगे, ठंडी, क्या तो ऐसे रहे, दो दिन लगातार बारिश है, मतलब कल भी बारिश आएगी और परसों भी बारिश आएगी, बाकी अल्लाह खैर करे। देखो रैबिट्स पता नहीं कहाँ छुप जाते हैं, सिर्फ घास है तो बाहर नजर आते हैं, बाकी नहीं। मुझे कुल्ले की जा रहा है। हाँ मुझे लगता है उधर छुपते हैं, उधर उधर।